मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले और कई अन्य मामलों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय से इस प्रश्न पर जानना चाहा था कि पत्रकारों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, जिस पर मैंने भी वो वीडियो देखा था जिस पर उनका कहना था पत्रकारों से कि पत्रकारिता छोड़ो, नेतागिरी करो। यह सब अत्यंत ही निंदनीय है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनका यह सब कहना पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और पत्रकार या संपादक हमारे देश के स्तंभ हैं। भारतीय संविधान में एक मुख्यमंत्री को ऐसा शब्द शोभा नहीं देता है। मैं पूछना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री महोदय से कि क्या रतन सिंह को मारने वाले अपराधियों की गिरफ्तारियां हो गई? आज आए दिन पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि रतन सिंह के परिवार के क्या मृतक आश्रित कोठे में मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी सरकारी नौकरी उनके परिजन को दी या कितनी आर्थिक सहायता दी? आज सरकार के पास पत्रकारों के लिए कोई भी नीति नहीं है और आए दिन पत्रकार मारे जा रहे हैं। पत्रकार के अलावा समाज का हर वर्ग की आए दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहा है और उसकी वजह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जिनका ये बयान है उनके यदि एफिडेविट की कुंडली देखी जाए जो उन्होंने अपने विधानसभा में चुनाव में प्रयागराज में दिया है तो उनके भी अपराध की कुंडली की फेरिस बहुत बड़े लंबी है। तो उनसे उनके जैसे उप मुख्यमंत्री से ऐसे ही बयान की कल्पना की जा सकती है, इसके अतिरिक्त किसी और बयान की कल्पना नहीं की जा सकती है। और मैं और समाज सेवक पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है।